बड़वानी जिले के रामपुरा छोटा बड़दा में नर्मदा का जल स्तर निरंतर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जल भराव को देखते हुए प्रशासन की व्यवस्था नहीं के लगभग है। पुलिस बल 25 के लगभग है और 5 से अधिक गांव की जिम्मेदारी दी रखी है जो आटे में नमक समान है, किंतु फिर भी गांव के जान माल हेतु प्रयासरत है। प्रशासन ने वर्तमान में अस्थायी टीन शेड की व्यवस्था की है और धर्मशाला में कुछ का प्रशासन के विरुद्ध मुआवजा रोज जरूरी है, किंतु जान बचाने हेतु सुरक्षित जगह जाना पड़ रहा है। सबसे अधिक परेशानी महिलाओं और बच्चों की हो रही है। राजपुर से रवि काक की रिपोर्ट। कितने लोगों का परिवार है तुम्हारा? हम तीन माँ बेटे हैं। तीन माँ बेटे तो आप लोगों को अभी तक प्रशासन कुछ नहीं है? हमारा तीनों का कुछ नहीं, हमारा तीन माँ बेटा का। तो ये जमीन आपको पूछते नहीं है? कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं। आते हैं पाजा ठीक बोल जाते हैं, पर कुछ करते नहीं हमारे लिए। हम हर साल ऐसे ही भगते जाते हैं ऐसा। अच्छा, अभी ये जो सामान आप लोगों ने अवेयर के रखा हुआ है, बस ये इसके लिए रखा। पानी ज्यादा आ जाएगा तो हमारी निकालने की व्यवस्था नहीं, और रात में नाव वगैरह आती है। किराए से लेंगे, किराए से लेंगे। तो प्रशासन ने अभी तुम्हारी कोई मुस्तैद जगह नहीं की? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं की? सिर्फ आते लकड़ियाँ लेके भगाना काम करते, सामान छोड़ के तुम्हारे रखा हुआ। जिला बड़वानी के बड़दा नगर के नदी में, यहाँ पे बड़दा का सारा माहौल अभी डूब क्षेत्र है, पूरा डूबा हुआ नगर है। जैसा कि आप देख रहे हो वर्तमान में, अभी यहाँ पे हम लोग जो स्वयं से भी काम करते हैं या जो नाव चलाते हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। गोले जी, आप यहाँ कब से हो? मैं तो यहाँ से मतलब 3 दिन हो गए, 3 दिन लगत मतलब इनको खाली करना, बचाना और जो अधिकारी आए उनको ले जाना, सब मतलब 3 दिन से परेशान हूँ वहीं से, मतलब दिन रात यही समस्या, और नाव पे रहना पड़ता है मेरे को। तो अभी मतलब आप तो सो भी नहीं पा रहे होंगे? नहीं, अभी तो कहीं सोने का काम ही नहीं हो, सो तो फिर ना बहुत बाढ़ आती है, तो फिर नाव और अधिकारी भी फ़ोन लगाते बार बार, तो उनके लिए भी जगना पड़ता, फ़ोटो भी मतलब देना पड़ता, पानी का टेबल भी देना पड़ता, और जो उधर बस्ती है उधर भी जाना पड़ता, उनका सामान भी लाना पड़ता। रात भर भी परेशान है और वो भी भगते नहीं, और बार बार आ जाते हैं तो वापस ले जाना पड़ता है ऐसा, मतलब नाव में ही अपना ये होता है मतलब। तो लोग यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं या निकलना नहीं चाह रहे हैं? ये इनको मुआवजा नहीं दिया तो वापस तो अधिकारी आते हैं तो फिर इनको निकालते हैं और वापस फिर आ जाते हैं, तो उनको मतलब मुआवजा मिला नहीं, और फिर वो नाव का सहारा लेके फिर उधर रास्ता भी नहीं जाने का, तो फिर नाव का सहारा लेके हमको लाना पड़ता है शाम को भी, और फिर जब फ़ोन लगाए तब और अधिकारी को उनको भी ले जाना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।